वंदना और रमन की सगाई होने वाली थी। वंदना तलाकशुदा औरत थी। पहले पति ने शुरुआत से ही उसका सम्मान नहीं किया, उसके साथ खूब मार पिटाई की और तब तंग आकर वंदना ने उसे तलाक दे दिया और मायके में आकर वह एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही थी। उसी स्कूल में रिंकू भी पढ़ती थी। रिंकू की माँ इस दुनिया में नहीं थी। वंदना को उस बच्ची पर बहुत प्यार उमड़ आया था और धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे की आदत सी हो गई थी। रिंकू ने अपने जन्मदिन पर वंदना को अपने घर बुलाया था। उसी दौरान वंदना की मुलाकात रमन से हुई। जब रमन ने रिंकू का खिंचाव वंदना की ओर देखा तो वह भी उसके बारे में जानने को उत्सुक हुआ। वैसे तो अपनी पत्नी शुभिका के देहांत के बाद से उसने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी और की ओर आकर्षित होगा, लेकिन अब धीरे धीरे वंदना का मधुर व्यवहार उसे भीतर तक छूने लगा था। वह दोनों एक दूसरे से फोन पर बातचीत भी करने लगे थे और 2 सालों के बाद दोनों ने यह तय किया था कि अब दोनों जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाएंगे। दोनों के परिवार वाले इस विवाह से बहुत प्रसन्न थे। आज वंदना की सगाई थी। वह हल्के गुलाबी रंग के लहंगे में बड़ी प्यारी लग रही थी। सगाई के लिए रमन ने अपने घर के पास में ही एक मंदिर में सारी व्यवस्था करवा रखी थी। सगाई वाले दिन रमन की ताई जी भी सगाई में शामिल होने के लिए आई हुई थी। ताई जी का स्वभाव बहुत कठोर था और वह हमेशा अपनी विचारधाराएं दूसरों पर थोपने की कोशिश करती रहती थी, इसीलिए उन्हें पहले से इस रिश्ते के बारे में नहीं बताया गया था। इस बात से वह बहुत नाराज थी। जब वह सगाई में आई और उन्हें पता चला कि वंदना तलाकशुदा है तो वह रमन की माँ से गुस्से में कहने लगी, आपको रमन के लिए यही लड़की मिली थी क्या? अरे, जिसने पहले ही तलाक ले लिया हो वैसी लड़की क्या रिश्ते निभाएगी? ऐसी घर तोड़ने वाली बहू सब बर्बाद कर देगी। अरे, इसने कुछ तो किया होगा जो इसका तलाक हुआ। सगाई के दौरान खुद पर ऐसा आरोप सुनकर वंदना सन्न रह गई। फिर उसके होने वाले पति ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, देखिए ताईजी, मैं अच्छे से जानता हूँ कि किन परिस्थितियों में वंदना ने अपने पति से तलाक लिया है। हमने सब कुछ देख समझ कर ही यह रिश्ता तय किया है, इसलिए आप इस शुभ कार्य में अड़चने उत्पन्न मत करिए। वैसे भी शुभिका के जाने के बाद मैं शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन वंदना के अच्छे व्यवहार को देख कर ही मैं भी इस विवाह के लिए तैयार हुआ हूँ। बड़ी मुश्किल से मेरी बेटी को एक माँ मिलने वाली है, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ कि यदि आपको हमारी खुशियों में शामिल होना है तो हंसी खुशी शामिल हो जाइए, और अगर आपको इस विवाह से कोई ऐतराज है तो फिर आप यहाँ से चले जाइए, लेकिन अपनी कड़वी बातों से हमारी खुशियों को बर्बाद करने की कोशिश मत कीजिए। ताई जी गुस्से में आग बबूला हो उठी और वह रमन को कोसते हुए वहां से चली गई। लेकिन रमन को इस बात का कोई अफसोस नहीं था। उसके माता पिता गर्व भरी नजरों से बेटे की ओर देख रहे थे, जिसने घर की बहू के सम्मान के लिए खुद आगे बढ़कर आवाज उठाई थी। इधर वंदना की आंखें भी नम थी। वह खुद को बहुत किस्मत वाली समझ रही थी कि जिंदगी ने उसे दोबारा इतना अच्छा मौका दिया कि उसे रमन जैसा जीवन साथी मिलने वाला है। दोस्तों, अपने जीवन साथी के लिए प्यार और सम्मान तो होना ही चाहिए, लेकिन यदि कोई भी जीवन साथी के सम्मान पर प्रहार करने की कोशिश करे तो लाइफ पार्टनर को उसके लिए आवाज जरूर उठानी चाहिए। आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताएं कि रमन ने ताई जी को जो जवाब दिया वो सही था या नहीं। और ऐसी ही और नई और दिलचस्प कहानियों के लिए लाइफ टेल्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।